इस देश में ना आए दिन लड़कियों के साथ बलात्कार को स्वीकार कर लिया जाता है और ये समाज उसे बर्दाश्त भी करता है, लेकिन प्रेम विवाह को बर्दाश्त कर पाना आज भी इस समाज को नागवार गुजरता है। और इतना ज्यादा खुन्नस है उनमें कि जान से मार देते हैं प्रेमी जोड़े को। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बिहार के किस जिले में मायके वालों ने ही अपनी बेटी के सुहाग को उजाड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम निशा ओझा है और आप DTW24 न्यूज़ देख रहे हैं। बिहार का जिला गया, यहाँ पर एक लड़की के मायके वालों ने ही उसके सुहाग को उजाड़ दिया। इस देश में आए दिन 5 से 6 लड़कियों के साथ बलात्कार होता है, लेकिन ये समाज बड़े ही शांति से उसको स्वीकार कर लेती है। लेकिन प्रेम विवाह को स्वीकार कर पाना आज भी इस समाज को नागवार गुजरता है। इतना नागवार कि वो आपको मौत के घाट भी उतार सकते हैं। बिहार के गया जिले में एक लड़की ने प्रेम विवाह किया। घटना 25 फरवरी की है। जैसा कि उसने बताया कि उसका पति घर आ रहा था और 2 बाइक सवार लोगों ने उसके कनपट्टी पर बंदूक रखकर गोली मार दी और उसकी हत्या कर दी। अब लड़की ने ही अपने मायके वाले पर इल्जाम लगाया है। लड़की ने कहा है कि उसके चाचा और चाचा के बेटे ने मिलकर उसके पति को मार डाला और उसके सुहाग को उजाड़ दिया। 25 फरवरी को दिन दहाड़े बाइक से जाते समय बगल के बाइक सवार ने कनपट्टी पर सटाकर युवक को गोली मार दी। लड़के का नाम रवि रंजन था। उसकी पत्नी का नाम सोनम कुमारी है, जिसने ये बताया कि उसके ही मायके वालों ने उसके पति की हत्या कर दी। इसमें चाचा धर्मेंद्र यादव, मनोज यादव और चचेरे भाई जितेंद्र यादव के ऊपर आरोप लगाते हुए उसने पुलिस थाने में FIR भी किया है। थाने से मिली जानकारी के मुताबिक सोनम ने 2017 में उपेंद्र दास के बेटे रवि रंजन से, जिसका नाम आकाश है, प्रेम विवाह किया था। ये बात उसके परिवार वालों को नागवार गुजरी। शुरू से ही वो लोग इसे इज्जत का मामला बता रहे थे। प्रतिशोध का आग ऐसा था कि मायके वालों ने रवि रंजन के नाना सुखदेव रविदास और नानी को मौत के घाट पहले ही उतार दिया था। घटना के बाद उसके परिजनों के ऊपर केस भी किया गया, पर कुछ नहीं हुआ। बताया तो ये भी जा रहा है कि उस वक्त के कांड के बाद दोनों ही आरोपी फरार हो गए थे। अब सोनम फिर से अपने चाचा और अपने चाचा के बेटे को ही आरोपी बता रही है अपने पति की हत्या करने के लिए। हालांकि पुलिस ने FIR दर्ज कर ली है और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कहा है कि मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या प्रेम विवाह करना आज भी इस समाज में हत्या का कारण बन सकता है? आज भी क्या लड़कियों को इतना सोच समझ कर चलना होगा कि अगर वो प्रेम विवाह कर लेती है तो उसके ही मायके वाले उसके सुहाग को उजाड़ देंगे? अभी भी इस समाज को सुधरने में बहुत समय लगेगा। बहरहाल, आप इस तरह की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अगर आप इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।